हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। हमने पिछले दो लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दो चैप्टर हमने पूरी तरह से कवर किया है। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने लिया है। इससे भी 10 क्वेश्चन लिए हैं। ये हमारे 10 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग परीक्षा से एटॉमिक स्ट्रक्चर से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इस बार भी हम सोच रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जितने सारे क्वेश्चन हमें बन सकते हैं उतने हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, लो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैव सेव एनर्जी। अभी आपके आप ये अभी क्वेश्चन ही चल रहा है। आपका क्वेश्चन अभी क्या है, n=1 दिया गया है, l=0 दिया गया है, m=0 दिया गया है, n=2 दिया गया है, l=0 दिया गया है, m=0 दिया गया है, n=2, l=1, m=1। इसमें जो दिया है n=3, l=2, m=0। अब आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन फर्स्ट डी एंड ई। ऑप्शन सेकंड C&D। ऑप्शन थर्ड B&C। ऑप्शन फोर्थ A&B। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैव सेम एनर्जी, किस ऑर्बिटल में आपकी एनर्जी सेम है। तो आपके n दिया गया है, l दिया गया, जबकि आप जानते हैं एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा n+l रूल होता है। तो हमें m की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इस सब में काउंट करते हैं कितनी एनर्जी है, इसके बाद फिर हमारा ऑप्शन मैच कर लेंगे, जो हमारा ऑप्शन होगा वही सही रहेगा। तो फिर हम पहले इसमें एनर्जी देखते हैं, n=1 है, l=0 है, जिसकी एनर्जी जो होता है 1 होगा। इसकी एनर्जी देखते हैं n=2 है, l=0 है, तो एनर्जी 2 होगी। इसकी एनर्जी देखते हैं n=2 है, l=1 है, तो इसकी 3 होगी। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर, m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें देखते हैं n=3 होगा, एनर्जी जो n=3 l=2 मतलब एनर्जी हो गई 5 n+l। इसमें देखते हैं n=3 l=2, इसमें भी एनर्जी 5 होगी। अब इसमें पूछा है किसमें आपकी एनर्जी सेम है, डी एंड ई सी एंड डी। सी में 3 है और डी में 5 है, नहीं ये ऑप्शन गलत है। B&C, बी में 2 है और सी में 3 है, ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ A&B, ए में 1 है, बी में 2 है, ये भी गलत है। आपके D&E ऑप्शन देखिए, डी में भी 5 जो है एनर्जी है 5 है, और ई में भी 5 है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। एनर्जी निकालने का सिंपल तरीका, आप n+l काउंट कर लीजिए, इसके बाद आप देख लीजिए ऑप्शन में आपको आंसर साफ दिख रहा है। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर है। आइए अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछा है। क्वेश्चन 2, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिटल इज। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन फर्स्ट 10h/π, ऑप्शन सेकंड 2.5h/π, ऑप्शन थर्ड
25h/π, ऑप्शन 4 1h/π। तो फिर आपको एंगुलर मोमेंटम बोहर आर्बिटर से निकालना है, इसमें आपसे पूछा है कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालने का आपको जो फॉर्मूला होता है mvr बराबर nh/2y। ये जो mvr है हमारा एंगुलर मोमेंटम है, और n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n जो h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। तो फिर हमें क्या याद करना है, हमें एच के फॉर्म में ही आंसर देना है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, फिफ्थ ऑर्डर के लिए पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर 5h/2y। पर ऐसे हमारे कोई ऑप्शन में है नहीं, तो 2 से डिवाइड कर दें हम, तो हो जाएगा 2.5h/π। ऑप्शन नंबर सेकंड, आपको जब भी एंगुलर मोमेंटम बात किया जाए तो आप mvr निकाल लीजिए, आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो इस तो आइए अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वांटम नंबर्स लेट पूछा गया क्वेश्चन हमारा थर्ड। व्हाट इज द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ 4f ऑर्बिटल। आपके क्वांटम नंबर ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए जो है n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर +1 और s बराबर +1/2। ऑप्शन बी है n बराबर 4, l बराबर 4 m बराबर -4 s बराबर -1/2। ऑप्शन सी है n 4 l 3 m + 4 s + 1 1/2। ऑप्शन डी है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर +1/2। इसमें आपसे क्वांटम नंबर के बारे में पूछा, आप 4f ऑर्बिटल दिया है, इसके बाद आपसे क्वांटम नंबर के बारे में बात किया है। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, इसमें चार क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपने आपको 4f ऑर्बिटल दिया गया है, जो आगे होता है उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, मतलब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा। तो सब में 4 है, एक ऑप्शन मतलब खत्म हुआ हमारा, अगर लास्ट ऑप्शन खत्म, क्योंकि इसमें n बराबर 3 दिया है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको पता करना है, s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो हम देखते हैं हमारे में जो l का है किसमें 3 है, इस वाले ऑप्शन में 3 है, इस वाले 3, मतलब सेकंड ऑप्शन भी खत्म। अब इसके बाद बचता है हमारे पास ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। अगर एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू 4 थोड़ी हो सकती है, एम की वैल्यू जो होती है माइनस एल से प्लस एल, एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला याद रिवीजन करते रहिए। तो अगर एल की वैल्यू 3 है तो वहां प्लस 4 थोड़ी हो सकती है, इसलिए एम की वैल्यू जो भी होगी, एम की वैल्यू जो भी होगी एल से या तो बराबर होगी या तो एल से कम होगी। तो मतलब हमारा ऑप्शन ये होने वाला है n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर +1, s बराबर +1/2। आप ऐसे किसी भी ऑर्बिटल की निकाल सकते हैं, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपको एनर्जी बारे में बताता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप एंड साइज ऑर्बिटल मोमेंटम बारे में बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है।
तथा स्पिन क्वांटम नंबर जो है आपको इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन को बताता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो चार है उसमें पूछ रहा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डी एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए रूट सिक्स एच अपॉन 2 पाई, ऑप्शन सेकंड जो है √2 एच अपॉन 2 पाई, ऑप्शन थर्ड जो है एच अपॉन 2 पाई, और ऑप्शन जो फोर्थ है 2 एच अपॉन 2 पाई। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं डी ऑर्बिटल के लिए, तो इसका भी आपको फॉर्मूला सारे जितने सारे फॉर्मूले आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो डी ऑर्बिटल के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है अगर निकालना हो आपको एंगुलर मोमेंटम, तो अंडर रूट एल एल प्लस वन, एल जो है यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और जो यहाँ पर डी ऑर्बिटल पूरे डी ऑर्बिटल के अभी मैंने बताया जी मुझे क्वांटम नंबर के वैल्यू कितनी होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 2 2 प्लस 1, √6 आया। तो यहाँ पर हमारे जो एंगुलर मोमेंटम होगा √6 एच अपॉन 2 पाई। इस ऑप्शन में यही एक अकेला है जो √6 है। आपको जब भी एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो यहाँ अंडर रूट एल एल प्लस वन लगाइए, आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाए किसी भी ऑर्बिटर। अगर यहाँ पर ऑर्बिटर की बात करता तो वहां एल की वैल्यू 3 रखते, अगर पी की बात करता तो वहां पर एल की वैल्यू 1 रखते, और एस की बात करता तो एल की वैल्यू 0 रखते। यह ऑर्बिटर के लिए कभी भी एंगुलर मोमेंटम नहीं निकाला जा सकता क्योंकि एल की वैल्यू 0 होगी तो एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, द फॉलोइंग ऑर्बिटल द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल, फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल ऑफ हाउ मेनी ऑर्बिटल, अभी आपने जो उसमें क्वांटम नंबर की वैल्यू उसने दिया है n बराबर 3 दिया है, l बराबर जो है उसने 2 दिया है, m बराबर +2 दिया है, और एस बराबर +1/2 हो गया। अब आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो पूछा है क्वांटम नंबर आपके इसने के लिए दिया जन बराबर 3, प्रिस्मा क्वांटम नंबर 3, एजी मुथल क्वांटम नंबर 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2, स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 हाफ। तो इसके लिए आप कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप इसमें क्या देखना है कि मतलब जो भी होगा यल किसी यम या सी एस किसी ऑर्बिटल के एक ही इलेक्ट्रॉन लिए हो सकता है। अगर मान लो उसने केवल इतना तक दिया होता फिर हम सोचते हैं यल बराबर 3 है, यल बराबर 2 है, मतलब ये जो भी होगा डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 होते हैं, और उसके आगे उसने ये भी दे दिया यम बराबर +2 और यस बराबर +1/2। इसका मतलब ये किसी एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगर हमारा ऑप्शन इसमें ऑप्शन इस प्रकार बनाया गया, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ये किसी एक ही ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू पॉसिबल है। अगर यहां तक नहीं दिया होता तो फिर हम एल बराबर 4 मतलब यहां पर डी 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ते एक ही ऑर्बिटल के लिए ऐसा पॉसिबल है।
एम की वैल्यू प्लस टू प्लस वन माइनस टू माइनस वन ये सब किसी एक ही ऑर्बिटर के लिए पॉसिबल है। यहाँ प्लस टू दिया गया मतलब कोई एक ही ऑर्बिटर होगा जिसका वैल्यू जिसमें जिसकी वैल्यू ये सारी होंगी। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये अनसर्टेनिटी लॉ पे है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी लॉ। इसमें आपको एजम्पशन क्या दिया है आप देखिएगा। इफ अनसर्टेन तो आपका क्वेश्चन नंबर जो सिक्स में है आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन पहला जो इसमें है वन नियम अंडर रूट एच अपान पाई। ऑप्शन बी जो आपके हैं एच अपान पाई। ऑप्शन सी जो है वन अपान टू एम एच अपान पाई। ऑप्शन आपका डी है एच अपान टू पाई अंडर रूट। तो आपके चार ऑप्शन है। इसमें पूछा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ मोमेंटम आर इक्वल द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इसमें आपको जो हाइजेनबर्ग हाइपोथेसिस है उसमें आपको पोजीशन और मोमेंटम इसमें इक्वल कर दिया है। तो पूछा कि अगर अगर हम पोजीशन और दोनों मोमेंटम को इक्वल कर दें तो वेलोसिटी में क्या अनसर्टेनिटी रह जाएगी। इसमें जो इसका रूल है अगर किसी अगर कोई स्मॉल पार्टिकल कहीं चक्कर लगा रहा तो उसके पोजीशन और वेलोसिटी के साथ डिसाइड नहीं कर सकते। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग का। उसमें कहा कि हम पोजीशन मतलब जो आपको फॉर्मूला डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन फोर पाई आपके होते हैं। तो उसने पूछा कहा कि अगर ये दोनों आपके इक्वल कर दें डेल्टा एक्स यहाँ जो है पी जो है एंगल मोमेंटम है तो पी बराबर एम बी होता है तो हम ऐसे कर दें एन एच अपॉन फोर पाई। अब उसने कहा ये दोनों इक्वल हो जाए पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल हो जाए। अगर यहाँ ये इक्वल हो जाएंगे तो इसे भी हम मान लें एम बी मान लें इंटू एम बी एन एच अपॉन फोर पाई एन की वैल्यू एन मान लें क्योंकि फर्स्ट आवे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा। तो फिर हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एच अपॉन फोर पाई। फिर यहां से बी स्क्वायर हमें निकालना है एच अपॉन फोर पाई एम स्क्वायर। तो बी बराबर आप अगर बी बराबर निकालेंगे तो एच अपॉन वन अपॉन टू एम एच अपॉन पाई। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर केवल अंडर रूट लिया है आप ये देख सकते हैं हाँ मैंने कुछ नहीं किया। आपका सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एन एच अपॉन फोर पाई। पर इसने क्या कहा है आपको पोजीशन और मोमेंटम को इन्होंने इक्वल कर दिया। तो सेम हमने किया है पोजीशन और मोमेंटम इक्वल कर दिया। फिर वेलोसिटी में देखिए यहाँ पर मैंने अंडर रूट ले लिया है स्क्वायर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर मतलब कौन बन रहा है ऑप्शन नंबर आपके सी बन रहा है। अच्छा क्वेश्चन ये हमारे आया हुआ था बीएचयू में। आपका क्वेश्चन नंबर जो सात है द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ फॉर ए वन इलेक्ट्रॉन इज आपको दिया गया वैल्यू वन टेन की पावर माइनस फाइव किलोमीटर किलोग्राम पर सेकेंड। ये मोमेंटम दिया गया है देन अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन मिल गई। तो इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ आपसे पोजीशन के बारे में बात किया है उसने। आपको मोमेंटम दिया है और इसने पोजीशन भी पूछा है। तो फिर अभी इसका फॉर्मूला मैंने बताया था हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी लॉ से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन फोर पाई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है और डेल्टा पी की वैल्यू यहां पर दिया गया वन इंटू टेन पावर माइनस फाइव। एच की वैल्यू मैंने आपको इससे पहले बताया था 6.6 इंटू टेन की पावर माइनस 32 फोर और पाई की वैल्यू सबको पता है 22 अपॉन 7 होता है। फिर आपको निकालना क्या है डेल्टा एक्स ऑप्शन तो मैंने दिया नहीं ऑप्शन आपको दे देने हैं। पहले ऑप्शन जो है 5.27 इंटू टेन की पावर माइनस
30 ऑप्शन पहला है, ऑप्शन बी जो है 1.05 × 10⁻², ऑप्शन सी जो है 1.05 × 10⁻²⁸, ऑप्शन डी जो है 5.25 × 10⁻²⁸। तो फिर आप एक काम करिए, इसे यहाँ पर 35 कर दीजिए और यहाँ पर दसमो हटा दीजिए, तो 22 × 66 हो गया। इसके बाद 7 × 21 × 10⁻³⁵¾, यहाँ पर माइनस 5 जो है नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा प्लस 5 होगा, प्लस 5 होगा तो मतलब यहाँ पर 10 के बाद प्लस 5 होगा, 35 में से 5 गया 30, मतलब 21 × 10⁻³¹⁴, 4 से डिवाइड करेंगे 5 लगभग इतना आया। तो मतलब आपके ऑप्शन किस प्रकार हैं इसमें देखो, इसी के मैक्स इसे अप्रॉक्स इसी के आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन काफी कोई दूर दूर तक कोई नहीं है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये है। इसमें क्या पूछा था आपको, असेंट्रिक मोमेंट, आपको मोमेंटम दे दिया था, आपने पोजीशन पूछा। अगली बार आप क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको पोजीशन दे दे, मोमेंटम पूछ ले, या फिर वेलोसिटी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है आपको। बस सिंपल फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अपॉन 4π, बस आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अनसर्टेनिटी पे प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सभी सबसे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसे, इसमें पूछा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसे, इसमें फॉर्मूला आपको दिया है, इसे बताना है कौन सा फॉर्मूला होगा जो सही होगा इसके लिए। पहला 4L-2, दूसरा 4L+2, थर्ड 2L+2 और फोर्थ जो है आपका 2N² होता है। इसमें सबसे में पूछा है अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो फिर कैसे काउंट करेंगे। तो मान लो हमें फॉर्मूला पता नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे। अभी मैंने पहले बताया एल जो है यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, अगर हम एल की वैल्यू कहीं पर पुट करके देख लें जो हमारे फॉर्मूले में बैठता है तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे मान लो एल की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, एल की वैल्यू मान लो हम 0 मानते हैं, यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन देखो एल की वैल्यू 0 मानते हैं, 4 × 0+2, ये साबित में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। मान लो मैं एल की वैल्यू +1 मानता पी आर्बिटल के लिए, 4 + 2 = 6, पी आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम हो सकते हैं 6। अब मान लो एल की वैल्यू में 2 मानता हूं, 4 × 2+2 = 10, आपको पहले से ही पता होगा कि यस आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी आर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी आर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ आर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप किसी भी फॉर्मूला में पुट एल की वैल्यू देखिए, जिसमें आपको वैल्यू पुट सही रहता है वही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए बैठा है, इसमें 0, अगर एल की वैल्यू 1 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब एस आर्बिटर के लिए, एल की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा पी आर्बिटर के लिए, अगर एल की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा डी आर्बिटर के लिए, अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा एफ आर्बिटर के लिए, एफ आर्बिटर के लिए। और जो 2N² दिया गया ये बहुत बड़ी नियम है, इसमें अगर किसी आर्बिटर के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काउंट किया जा सकता है, ना कि किसी सबसे, ये सबसेल के लिए है वो आर्बिटर के लिए, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप एल की वैल्यू पुट करके आराम से देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होने वाला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर क्वांटम नंबर z = 37,
आपके ऑप्शन इस प्रकार है 5001/2 प्लस ऑप्शन बी है 5100+1/2 ऑप्शन सी है 5111+1/2 और ऑप्शन डी है 5001-1/2। इसमें आपको एटॉमिक नंबर दे दिया गया Z-37। इसके बाद आपको बताना है कि क्वांटम नंबर, इसके चारों क्वांटम नंबर कितने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने होंगे, क्या होगा एजीमुथल, क्या होगा मैग्नेटिक, क्या होगा स्पिन, क्या होगा, ये सब आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो फिर अब Z-37 किसका होता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप सीधे तुरंत कर सकते हैं। Z-37 होता है रुबिडियम का, और रुबिडियम जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो रुबिडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 5s1 होगा 37 के लिए। आप देख लीजिएगा, आपको एटॉमिक नंबर सारे याद होंगे तभी आप इतना जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो यस ऑर्बिटल के लिए आपको n की वैल्यू जो होगी, इसमें 5 बराबर जो n की वैल्यू होगी 5 होगी। यस ऑर्बिटल के लिए मैंने बताया l के लिए 0 होता है, अगर l के लिए 0 है तो m भी बराबर 0 होगा, और यस जो होगा +1/2 या -1/2 होगा। तो आपके ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है, सब में यस की वैल्यू 1 दी या l की वैल्यू 1 दी है, जबकि यस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 0 होता है। इसमें एक दिया ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, और ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं, क्योंकि यस ऑर्बिटल में एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। तो आपका इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है उसे देखिएगा। Which orbital tells about shape? सबसे इसमें पूछा ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जो किसी, आप ऐसी कौन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर होना चाहिए, विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विच क्वांटम नंबर, इसमें क्वेश्चन पूछा विच क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट शेप ऑफ सबसेट। तो आपके ऑप्शन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन बी जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑप्शन सी जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑप्शन डी जो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है, कौन सा इस क्वांट, ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो हमें ये बताए कि ऑर्बिटल का शेप क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेप के बारे में नहीं, साइज के बारे में बताता, उसकी साइज कितना कितनी है, एनर्जी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी रेडियस कितना है, ये सब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी है, और स्पिन क्वांटम नंबर से हमें यह पता चलता है कि उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, एंटी डायरेक्शन में, कि एंटी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहे हैं। फिर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो आपको शेप के बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार आपके चार क्वांटम नंबर होते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। प्रिंसिपल जो है आपको साइज बताता है, एनर्जी बताता है, वेलोसिटी बताता है, और आपको पोजीशन बताता है, जबकि एजीमुथल जो है आपको शेप बताता है, आपको एनर्जी बताता है, इसके साथ ही एनर्जी के साथ ही आपको एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को बताता है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर जो है आपको इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो आपको क्वेश्चन काफी, मैंने क्वेश्चन काफी अच्छे से सिलेक्ट किया था, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू टू सी यू।